देश की राजधानी दिल्ली को ऐसी ही बारिश का इंतजार था। दिल्ली के कई इलाकों में बुधवार को झमाझम बारिश हुई, लेकिन थोड़ी देर की इस बारिश को करोड़ों रुपए की लागत से बना ये बारापुला पुल झेल नहीं पाया। दिल्ली की लाइफलाइन बन चुके इस सिग्नल फ्री बारापुला फ्लाईओवर पर रोज की तरह धड़ल्ले से गाड़ियां दौड़ रही थी, तभी सड़क का एक हिस्सा धंस गया। गनीमत रही कि जहां सड़क धंसी ठीक उसके आसपास कोई गाड़ी नहीं थी। बारापुला फ्लाईओवर पर सेवानगर डिपो के पास सड़क धंसी, जिससे 3 से 4 फीट तक का गड्ढा हो गया। आधे घंटे की बारिश में राजधानी दिल्ली का सड़कों का क्या हाल है, उसकी एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं हूँ बारापुला पे और यहाँ पे शाम को बारिश के बाद जो सड़क का मेन हिस्सा है यहाँ पर सड़क धस गई। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक पहले बारापुला फ्लाईओवर बनाया गया था। बाद में बारापुला का एक्सटेंशन भी किया गया और इसका दायरा बढ़ता चला गया। मोटा मोटी अनुमान यह है कि अब तक इस फ्लाईओवर पर 1,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है, लेकिन एक बारिश ने इसकी पोल खोल कर रख दी। सड़क धंसने की खबर मिलते ही मौके पर पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंची और गड्ढे को भरने का काम शुरू किया। सवालों के घेरे में कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है जिसने ये फ्लाईओवर तैयार किया है। अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस बारापुला के निर्माण के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो गए हुए थे, अब वो सड़कें ये भी धंसने लगी हैं। तो अपने आप में जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था और जिसने बनाया था उस पर जरूर एक सवाल खड़ा होता है। देश की राजधानी की सबसे बेहतरीन सड़क का हाल देख लिया, अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़क का भी दीदार कर लीजिए, जो पहली ही बारिश में टें बोल गई। ये हाल है लखनऊ के आउटर रिंग रोड का, जिसकी 30 मीटर चौड़ी सर्विस लेन बारिश में धंस गई। खास बात यह है कि आउटर रिंग रोड लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है, जिसकी पोल एक ही बारिश ने खोल कर रख दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार आउटर रिंग रोड के कंस्ट्रक्शन की पोल पहली बारिश में ही खुल गई है। राजधानी लखनऊ में कल से तेज बारिश हो रही है और इस तेज बारिश की वजह से आउटर रिंग रोड की सड़क धस गई है। ये वो सड़क है जो तेज बारिश की वजह से धस गई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ठेकेदार कंपनी और NHAI ने जो निर्माण किया था वो निर्माण काफी घटिया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सड़क के निर्माण कार्य के दौरान खूब लापरवाहियां बरती गईं। आउटर रिंग रोड का निर्माण कराने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जमीन के नीचे मौजूद पाइपलाइन को हटाए बगैर उसके ऊपर सर्विस लेन बना दी। इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि सर्विस लेन पहली ही बारिश झेल नहीं पाई और पूरी सड़क ही धस गई। रक्षा मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है ये रोड। ऐसे में इस रोड के जरिए तमाम जो विकास कार्यों के जो दावे हैं वो सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन पहली हुई तेज बारिश ने ही इस रोड की पोल खोल के रख दी है और कहीं ना कहीं से इस रोड को बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके भी संकेत देने शुरू कर दिए हैं। सवाल ये उठता है कि जब शुरुआती बारिश में महानगरों की बेहतरीन माने जाने वाली सड़कों का ऐसा हाल हो गया तो फिर पूरी बरसात में क्या होगा। दिल्ली हो या लखनऊ, जिस तरह से सड़क धंस रही हैं, उससे साफ है कि निर्माण कार्य में कहीं न कहीं कोताही बरती गई है। ये सही है कि दोनों ही जगह हुए हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस वाकये से सिस्टम पर सवाल जरूर खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।